नमस्कार का फिर से स्वागत है आपका टुडेज न्यूज़ में। और आज हम फिर से हाजिर है झारखंड की 20 बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। दल बदल मामले में आज आएगा फैसला, बीजेपी को न्याय दिलाने की उम्मीद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। महागठबंधन में दरार जारी, झारखंड आरजेडी ने एक बार फिर से 3 सीट पर चुनाव लड़ने का किया दावा। सीएम रघुवर दास का दावा, जो विकास 67 साल में नहीं हुआ वो मोदी ने 4 साल में कर दिखाया। झामुमो सुप्रीमो ने अलापा पुराना राग, कहा बाहरी लोग हड़प रहे हैं नौकरी। लालू ने बिना अनुमति के मिले तेजस्वी, जेल आईजी ने बिठाई जांच। मुख्यमंत्री 22 फरवरी को करेंगे रिंग रोड फेज 7 का उद्घाटन, मोदी के भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने किया तेजस्वी का बचाव, कहा जेल मैनुअल में उल्लंघन को देखना राज्य सरकार का काम। लुइस मरांडी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्ष खुद खोद रहा अपने लिए कब्र। आज भूखे पेट ड्यूटी कर रहे हैं झारखंड के 70,000 पुलिसकर्मी। खूंटी के नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। झारखंड में बर्ड फ्लू से हड़कंप, टाटा जू ने जारी किया अलर्ट। रांची में 2 मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 दर्जन डिब्बे बेपटरी। अल्पसंख्यक और समृद्ध कॉलेज के शिक्षकों की बर्खास्तगी JPSC के अनुमोदन पर होगी। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस पर बोले DGP, दुश्मन को ढूंढ कर मारेंगे। लोहरदगा को मिला केंद्रीय विद्यालय का उपहार, 23 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य भवन। शहीद फंड में 1 दिन का वेतन देंगे झारखंड के 104 IPS। झारखंड के गांधी पद्मश्री अशोक भगवत को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि। प्रखंड समन्वयकों को अप्रैल से मिलेगा हर माह 17,000 मानदेय। तो ये थी झारखंड भर की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हम हर रोज की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल। और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।